वहीं भिलाई के सेक्टर 1 स्थित गणपति मेले में एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में ब्रेक डांस झूले से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया है। युवक को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का सिर फट चुका है, उसके शरीर में और भी कई जगह गंभीर चोटें आई। सीजी मिरर्स कल्चरल ग्रुप गणेशोत्सव समिति द्वारा विगत 25 वर्षों से गणेशोत्सव का आयोजन सेक्टर 1 में किया जा रहा है। आयोजन के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे पंडाल परिसर में सक्रिय रहते हैं। इस वर्ष भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। तेलीबांधा रायपुर निवासी विनय तुलानी अपने साथियों के साथ भगवान गणेश का दर्शन करने पहुंचा हुआ था। वह ब्रेक डांस झूला झूलने गया था। जैसे ही झूला शुरू हुआ वह सेफ्टी लॉक खोलकर खड़ा हो गया और सेल्फी लेने लगा। झूला तेज होने और झटके लगने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर हाथ पैर में काफ़ी चोटें आई हैं। समिति के महासचिव धन्नु मिश्रा ने बताया कि ब्रेक डांस झूला शुरू होते ही युवक लॉक खोलकर खड़ा हो गया था। जी देखिए, हम लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, हम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देते हैं। रही बात झूले की, तो झूले में कहीं पर भी नट बोल्ट या कहीं पर भी टूट फूट की कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक तो, और इतने वर्षों का कार्यक्रम है, आज तक ऐसी घटना यहाँ पर नहीं घटी। लेकिन अगर शराब के नशे में कोई व्यक्ति अगर बैठता है और लॉक खोल देता है, लॉक खोल के सेल्फी, आजकल मोबाइल एक माध्यम हो गया है कि हर जगह जगह सेल्फी लेते हैं, तो ये जो घटना घटी है सेल्फी लेने के हिसाब से घटी है। अगर वो लॉक नहीं खोलता और खड़ा होकर सेल्फी नहीं लेता चलित झूले में, तो ऐसी घटना यहाँ घटित नहीं होती। जैसे कि नोटिस भी आपको मिली है, संचालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें क्या कहना? देखिए मैडम, अब घटना घट चुकी है, अब नोटिस दिया जा रहा है, तो उसका जवाब समिति देगी और झूले वाला भी देगा। बयान उनका अभी थाने से हम आ रहे हैं, सभी का बयान हुआ है और झूले वाले का भी बयान हुआ है, बयान में भी बताया जा रहा है, और MLC रिपोर्ट भी पुलिस वालों को मिल चुकी है कि वो व्यक्ति शराब के नशे में था, उनके साथ 3 और लड़के थे, वो भी शराब के नशे में थे, और उनको तुरंत हमने PCR बुला के उनको हॉस्पिटल भेजा कल रात को। समिति का जो कार्य है झांकी वाला आज जारी रहेगा? हाँ, आज चलित रहेगा, आज लास्ट, कल हवन है हमारा, कल महाभोग भी करवा रहे हैं हम, दो प्रकार का महाभोग करा रहे हैं। 12 बजे से रात को 12 बजे तक हम यहाँ पर प्रसाद बांटेंगे श्रद्धालुओं को, और 11 तारीख को विसर्जन है, शाम को 4 बजे से हम जाएंगे शिवनाथ नदी के लिए, गणेश जी प्रस्थान करेंगे, वहाँ उनका विसर्जन किया जाए। समिति के पदाधिकारी सतनाम सिंह ने घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी। जी, पता चला हमें भी कल, हम तो झांकी तरफ थे, अपने कार्यक्रम को देख रहे थे, और फिर हमको पता चला कि दुर्घटना घटी है, तो हमने PCR बुला के लड़के को भेजा और अपनी टीम को भेजा हॉस्पिटल। अभी लड़का एडमिट है BM शाह हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे कि आप एशियन न्यूज़ भी हमारे कार्यक्रम को कवरेज दे रहा है, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं कि झूले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। लड़के लोग 4-5 लोग आए थे, शराब के नशे में थे। टिकट वाले ने कहा भी, जो टिकट फाड़ता उसने कहा भी कि भैया आप शराब के नशे में हैं, आप झूला ना झूलें। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम झूला झूलेंगे, हम बाहर से आए हैं, हमको झूला झूलने दो। झूला झूलने गया और वो जो झूला झूलते समय जब झूला चालू हुआ है, तो उसने उसका लॉक उठा के सेल्फी लिया। उस सेल्फी लेते समय वो घटना घटी। बाकी हमारी समिति, हमारा कार्यक्रम जो है लगातार 25 वर्षों से चल रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। हम अपनी टीम के साथ लग के पूरे कार्यक्रम को एक नज़र से देख के काम करते हैं। इतनी बड़ी पब्लिक भी आ रही है, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ और बाकी भी न्यूज़ कवरेज ले रहा है, इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आ रही है, हम सबका ध्यान रखते हुए झांकी से लेके पूरे ग्राउंड की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब ये घटना सिर्फ एक शराब और एक सेल्फी के लिए हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं, हमने CCTV कैमरे भी लगा के रखे हुए हैं, हमने CCTV कैमरे लगा के रखे हुए हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लगा के रखे हमने। जैसे कि इसकी शिकायत थाने भी की गई है, थाने से किस तरह की सूचना मिली है, उसका क्या कार्रवाई की जा रही है? थाने में सूचना मिली, थाने से हम गए थे थाने में, और झूले वाले की सारी टीम को ले गए थे पुलिस वाले, तो हमने बोल बताया है, सब झूले वाले ने भी अपनी बात रखी है और हमने भी अपनी बात रखी है कि भाई दुर्घटना घटी है, लड़का शराब के नशे में था, आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, वो सब देख सकते हैं। मैं भिलाई और जहाँ से भी जनता इस ग्राउंड में आ रही है, सभी को निवेदन करूँगा कि शराब के नशे में इस ग्राउंड में ना आए। देखिए, भगवान गणेश ने उस बच्चे को सजा दे दी, इसलिए निवेदन करूँगा कि शराब का सेवन ना करके इस ग्राउंड में आए।
वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कहा कि घायल ICU में भर्ती है, मामले की जांच की जा रही है। भट्टी थाने का मामला है जहां पर बीती रात वहां पर जो सेक्टर 1 गणेश उत्सव समिति है उन्होंने आनंद मेला और झूला लगवाया हुआ था और जहां पर देर रात्रि में एक युवक झूले से गिर गया और गंभीर हालत में उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। लड़का अभी ICU में है, बाकी जानकारी लेने के बाद हम बता पाएंगे। समिति पे कोई कार्रवाई? निश्चित तौर पर समिति पे कार्रवाई भी की जा सकती है अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है तो। सर इसका परमिशन लिए हैं क्या कि झूला लगाने का, पार्किंग वार्किंग? ये भी जांच में लिया जाएगा कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पर आनंद मेला, झूला, पार्किंग और बिजली कनेक्शन आदि जो लिए गए हैं वो सारे नियम के साथ हैं या नहीं। सर बताएंगे कल रात को जो सेक्टर 1 झूले में से गिरकर जो युवक को सर पे हेड इंजरी हुई है उसकी कंडीशन कैसी? सर देखिए वो बेहोशी की कंडीशन में आया है और जब आया था तो ब्लड प्रेशर नहीं था, दवाई स्टार्ट की गई, अभी भी ब्लड प्रेशर जो चल रहा है वो दवाई के सहारे है, सांस ले नहीं पा रहा था, वेंटिलेटर पे है, सीटी स्कैन हमने किया है जिसमें ये दिख रहा है कि सिर की हड्डी में फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है और अंदर खून जमे हुए हैं। देखिए एक चीज रहता है कि हड्डी टूट के अंदर चली गई है जिसमें ऑपरेशन लगता है, एक रहता है कि अंदर खून जमी हुई है बहुत ज्यादा, एक जगह पे एक हिस्से में खून जमी है उसमें भी ऑपरेशन लगता है। इसका हड्डी जो टूटी है उसमें हड्डी खिसकी नहीं है तो इसलिए हड्डी के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और अंदर जो खून जमा हुआ है वो भी बिखरा हुआ खून है, फैला हुआ खून है, बिखरा हुआ खून है, सूजन के साथ में है जो फिलहाल हमें लगता है कि अभी ऑपरेशन करने जैसे स्थिति पे नहीं है, साथ में वो वेंटिलेटर पे है, ब्लड प्रेशर कम है, कुल मिला के बेहोशी की हालत में है, कंडीशन क्रिटिकल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता जी। अगर चांसेस हुए तो ऑपरेशन ऑपरेट करने से कुछ उसको फायदा मिलेगा? देखिए हम जब सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन जब होती है उसमें देखते हैं कि इसमें ऑपरेशन करने की क्या इंडिकेशन है, मतलब अगर उसमें जरूरी है ऑपरेशन करना तो हम करते हैं, अभी भी उस स्कैन देखकर ऐसा लगता है कि ऑपरेशन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन करने जैसा ना हड्डी टूटी है ना ही इतना ज्यादा किसी जगह पे खून जमा हुआ है, तो जब आप ऑपरेशन करते हो जैसे मैंने बताया ना कि अगर हड्डी टूट के अंदर चली गई होती तो उसमें ऑपरेशन करके उसको ऊपर लाया जाता है या अंदर बहुत ज्यादा खून जमा हुआ है तो ऑपरेशन किया जाता है, इसमें अभी भी जो स्कैन कल की जो हुई है उसमें ऑपरेशन करने जैसी स्थिति नहीं लगती है। तो हमारा विचार ये है कि एक दो तीन दिन दवाई देकर देखते हैं, कम से कम 48-72 घंटा निकलेगा कंडीशन में कैसी रहती है, फिर एक सीटी स्कैन हो सकता है, फिर से हम रिपीट करें, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल ऑपरेशन से फायदा नहीं होगा इसलिए ऑपरेशन की जरूरत फिलहाल नहीं है। बहरहाल इस तरह की घटनाओं से लोगों को सबक लिए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।